आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। हम लोग क्या कर रहे हैं, मिसलिनियस क्या कर रहे हैं, हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर टू का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें कर आपको डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन फाइंड आउट करिए। अब इसे डिफाइन करो, ये फंक्शन रेशनल फंक्शन है, देखो ऊपर भी है नीचे भी है। ये फंक्शन तभी डिफाइन होगा जब डिनोमिनेटर जीरो ना हो। ओके, तो डिफाइन करो क्वेश्चन नंबर थ्री, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज डिफाइंड इफ एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व डज नॉट इक्वल जीरो। ओके, दिस इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस, अब बेटा ये क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसे फैक्टराइज कर लो, तो माइनस एट एक्स को लिख सकते हैं माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस ट्वेल्व डज नॉट इक्वल जीरो। दिस इम्प्लाई दैट एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन ले लो यहाँ पे, एक्स माइनस सिक्स यहाँ पर माइनस टू कॉमन ले लो, एक्स माइनस सिक्स आएगा। इसे आपको फैक्टराइज आना चाहिए बेटे, ठीक है, ये आप एट नाइन टेंथ क्लास में पढ़ते हैं सब बच्चे, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट एक्स माइनस सिक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस टू डज नॉट इक्वल जीरो। दिस इम्प्लाई दैट क्या होगा, या तो एक्स माइनस सिक्स डज नॉट इक्वल जीरो होगा वो, एंड एक्स माइनस टू यानी ये भी जीरो नहीं हुआ है ना, ठीक है, यानी एक्स माइनस सिक्स जीरो नहीं होना चाहिए और एक्स माइनस टू जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब एक्स के वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए, माइनस सिक्स को राइट से ले जाओ, एक्स डज नॉट इक्वल टू सिक्स एंड एक्स डज नॉट इक्वल टू टू, देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं आनी चाहिए, एक्स वैल्यू टू नहीं आनी चाहिए और सिक्स नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब टू और सिक्स को छोड़ के बाकी रियल वैल्यू हो सकता है, यानी एक्स की वैल्यू टू और सिक्स पर फंक्शन क्या डिफाइन नहीं होगा, नीचे जीरो आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स वैल्यू टू ले लो या एक्स वैल्यू सिक्स ले लो, नीचे जीरो आ जाएगा। जैसे नीचे जीरो आएगा ये फंक्शन क्या नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब टू और सिक्स को छोड़ के, टू एंड सिक्स को छोड़ के और रियल वैल्यू हो जाएगा डोमेन। देयरफॉर क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, माइनस कर देंगे इसको, सेट ऑफ टू कॉमा सिक्स, यानी सेट ऑफ रियल नंबर में से टू और सिक्स को निकाल दो, जो बचा वही डोमेन है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर फोर। अब इसमें कहते हैं डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है। ये फंक्शन आपको ये दिया हुआ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, आप जानते हैं स्क्वायर रूट को कैसे डिफाइन करते हैं, याद है भूल गए आप। देखो फंक्शन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर कितना फोर है, ओके, फंक्शन आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ओके, पहले डोमेन फाइंड आउट करते हैं हम लोग। डोमेन, अब इसके लिए फंक्शन डिफाइन करते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, अब याद है मैंने क्या बताया था, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तभी डिफाइन होता है, ये डिफाइन तब होगा कब, इफ एक्स इज नॉन नेगेटिव, यानी एक्स जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो, ठीक है। या बहुत बार मैंने आपको बताया ये सब, बेसिक क्लास में बताया हुआ है। उसी तरह से अब ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जिसका स्क्वायर रूट, जिस एलिमेंट का आप स्क्वायर रूट ले रहे हो वो एलिमेंट क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, यानी जीरो हो या जीरो से ग्रेटर हो। इफ एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल जीरो, अब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। दिस इम्प्लाई दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, कितना आ गया, एक्स वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। ओके, एक्स वन होगा या वन से ग्रेटर होगा, यही डोमेन हो गया। तो वन या वन से ग्रेटर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक हो जाएगा, ठीक है। नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, अगर ये वन है तो हम लोग
चूँकि इक्वल टू भी है यहाँ पे, डार्क सर्कल देंगे, वन है ये वन से ग्रेटर किधर होगा, राइट साइड होगा, ओके टू इन्फिनिटी तक। डोमेन क्या आ गया बच्चे, डोमेन ऑफ फंक्शन एफ इक्वल टू आ गया कहाँ तक, वन से इन्फिनिटी, ये आ गया ओपन इंटरवल, ये आंसर आ गया डोमेन। अब आते हैं रेंज, रेंज फाइंड आउट करेंगे, ओके अब रेंज ऑफ फंक्शन निकालेंगे। रेंज, रेंज के लिए क्या करेंगे, देखो फंक्शन आपको क्या दिया हुआ, सिंस फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन, ओके। अब देखो स्क्वायर रूट को, अब मुझे पता है कि स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या होता है, देखो फिर मैं स्क्वायर रूट का वैल्यू जो होता है नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, मैं तो यहाँ बताया था स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होगा जब जिसका रूट ले रहे हैं वह एलिमेंट क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। अब कहते हैं स्क्वायर रूट का वैल्यू क्या हुआ, स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा ही नॉन नेगेटिव होता है, जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा, नेगेटिव नहीं होता स्क्वायर रूट का वैल्यू। तो उस तरह से ये भी तो स्क्वायर रूट है, ये भी क्या आपका स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो सिंस लिखेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, दिस इम्प्लाई दैट क्या है बेटे, इम्प्लाई दैट हो गया कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, फंक्शन एफ एक्स के इक्वल है, इसके जब हम एफ एक्स लिख सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल जीरो आ गया, ठीक है, यानी जो फंक्शन का जो वैल्यू होता है वही तो होता है रेंज, यानी फंक्शन एफ एक्स का वाई होता है, तो वाई ग्रेटर देन इक्वल जीरो हो गया। इसका मतलब नंबर लाइन पर देखो, अगर यहाँ पर जीरो है, चूँकि जीरो इंक्लूड है, इक्वल टू है, ओके जीरो है, तो जीरो है जीरो से ग्रेटर किधर होगा, राइट साइड होगा इन्फिनिटी तक, जीरो से लेके कहाँ तक आंसर आएगा, इन्फिनिटी, जीरो इंक्लूडिंग है तो क्लोज इंटरवल आएगा, देयरफॉर रेंज कितना आ गया, रेंज ऑफ फंक्शन एफ हो जाएगा बेटे क्या आएगा, क्लोज इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, ये आएगा, ये रेंज हो, रेंज हो गया जीरो से इन्फिनिटी, और डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया वन से इन्फिनिटी, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बेटे, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन फाइव क्या है देखो, कहते हैं फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन दिया हुआ, मॉडुलस दिया हुआ एक्स माइनस वन, ये और इजी है कुछ है नहीं इसमें, ओके तो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं डोमेन रेंज। क्वेश्चन नंबर फाइव, तो अब फंक्शन कितना दिया हुआ है, फंक्शन है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, ये ना कितना है, फंक्शन दिया हुआ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। आप जानते हैं मॉडुलस, मॉडुलस एक्स क्या होता है, मॉडुलस एक्स ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, यानी मॉडुलस एक्स कभी नेगेटिव नहीं होता, या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, बट एक्स के वैल्यू क्या होता है, बट ये जो एक्स के वैल्यू, एक्स जो है अंदर में जो है, ये जो एक्स है, एक्स क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, एक्स क्या होता है, एक्स कुछ भी हो सकता है, एक्स बिलोंग्स टू क्या होता है, आर, एक्स के सभी रियल वैल्यू पे ये जो मॉडुलस डिफाइन होता है। तो डोमेन क्या हो गया मॉडुलस फंक्शन का, सेट ऑफ रियल नंबर हो गया। उस तरह यहाँ भी देखो, देखेंगे सिंस जो फंक्शन एफ एक्स है, जो मॉडुलस फंक्शन है, तो मॉडुलस फंक्शन एक्स के सभी रियल वैल्यू पे डिफाइन होता है, सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड इफ, या डिफाइंड फोर लिख लो, डिफाइंड फोर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स के सभी रियल वैल्यू पे फंक्शन डिफाइंड है, यानी एक्स का वैल्यू जो होगा रियल नंबर होगा, ये रियल नंबर होगा, तो देयरफॉर डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर आर, आर को लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ओके इंटरवल के फॉर्म में। आते रेंज फाइंड आउट करेंगे, अब रेंज था आपका डोमेन, तो रेंज फाइंड आउट करते हैं हम लोग,
फर्स्ट था डोमेन। एक मिनट, रेंज ओके। अब देखो सिंस फंक्शन क्या, देखो फंक्शन दिया एफ एक्स दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन। आप जानते हैं मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज नॉन नेगेटिव होता है, यानी नेगेटिव कभी नहीं होगा। देखेंगे सिंस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन ऑलवेज इज ग्रेटर देन इक्वल जीरो, मॉडुलस का वैल्यू क्या होगा ऑलवेज जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। दिस इम्प्लाई दैट, अब देखो मॉड ऑफ एक्स माइनस वन किसके इक्वल है, एफ एक्स इक्वल है, तो हम इसके जगह पर मॉड ऑफ एक्स माइनस वन की जगह पे हम एफ एक्स लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई दैट हम इसके जगह हम लिख रहे हैं क्या एफ एक्स ओके, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब एफ एक्स का जो वैल्यू होता है फंक्शन का वैल्यू वही तो रेंज होता है, कहता है फंक्शन क्या है देखो ये नंबर लाइन है, सपोज करो यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे क्या जीरो, जो जीरो इंक्लूड है इक्वल टू भी है, डार्क सर्कल देंगे तो एक्स फंक्शन जीरो है, जीरो से ग्रेटर किधर होगा राइट साइड, इधर होगा ना, इधर क्या इन्फिनिटी है प्लस इन्फिनिटी, तो एक्स जो फंक्शन वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी के बीच होगा, तो देयरफॉर रेंज कितना होगा बेटे, रेंज ऑफ फंक्शन एफ इक्वल हो जाएगा जीरो इंक्लूड है जीरो टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल, ये आंसर हो गया ओके। तो या ऐसे लिख सकते हैं इसे, इन अदर वर्ड्स ऐसे लिख सकते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर है ना, जीरो जो नेगेटिव को छोड़ गया है, इधर नेगेटिव है ना इसको हमने छोड़ दिया, तो सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इस चीज़ को, ऐसे भी लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी नेगेटिव रियल नंबर को छोड़ के बाकी सारे, यानी जीरो और पॉजिटिव, नेगेटिव को छोड़ दें तो क्या बचेगा जीरो बचेगा और पॉजिटिव बचेगा, तो यही आपका रेंज हो गया ओके।